I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. पुत्री मेरी पुत्री काकाश्री, ये क्या तुम इतने दिनों बाद सिंधु देश से अपने काकाश्री के लिए अश्रु को उपहार लाई हो? है नहीं पुत्री, पुत्रियों के अश्रु तो अनमोल होते हैं, इनका मोल तो कुबेर भी नहीं चुका सकता। और फिर तेरा ये काका तो निर्धन है, निर्धन। इन्हीं अश्रुओं का मोल चुक रहा है काकाश्री, इतने दिनों बाद मेरे मस्तक पर आपका आशीर्वाद अश्रु बनकर जो बरस रहा है। ये तो तेरे काका का स्नेह है पुत्री। रहने दीजिए, इसलिए सारा दिन आप मुझसे मिलने तक नहीं आए। ये आंखें आप ही की राह देख रही थी काकाश्री। मैं बड़ी कठिनाई से वहां जाने से अपने आप को रोक पाया। मैं नहीं चाहता था कि मैं भाभी श्री और तुम्हारे मध्य किसी तरह की बाधा बनूं। तुम्हें कदाचित इस बात का ज्ञान नहीं है पुत्री कि तुम्हारे आगमन ने उसके लिए संजीवनी का कार्य किया है। इसका सारा श्रेय भ्राता भीम और अर्जुन को जाता है, नहीं तो हम यहां से अंतिम निर्णय लेकर गए थे कि हमारे पति के हत्यारों की भूमि पर हम अपने पैर कभी नहीं रखेंगे। जब हमें पता चला हमारे सिंधु देश की सीमा पर हत्यारे अर्जुन ने अपने पैर रखे हैं, तो हम उनका वध करने अपनी सेना के साथ निकल पड़े। पुत्री दुशल्ला। हाँ काकाश्री, वहां भ्राता अर्जुन हमसे और हमारी सेना से सामना करने अकेले आए थे। हमने उनकी आंखों में झांक कर देखा, किंतु उनकी आंखों में हमें हमारे पति का हत्यारा कहीं दिखाई नहीं दिया। उसमें तो केवल एक बहन के लिए एक भाई का प्यार का सागर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। हमारे हाथों से शस्त्र छूट गए और हम सोच में पड़ गए कि यदि यही अर्जुन का वास्तविक रूप है तो वो अर्जुन कौन था जिसने अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दिया था? वो अर्जुन कौन था काकाश्री, कौन था वो अर्जुन? पुत्री, ये अर्जुन वो अर्जुन था जिसने महाभारत युद्ध के प्रथम दिन ही अपने गांडीव को कुरुक्षेत्र में रख दिया था। यह अर्जुन वो अर्जुन था जिसके पुत्र अभिमन्यु का वध आठ आठ कुरु महारथियों ने उस समय किया जब वो घायल, अकेला और निहत्था था, निहत्था। और उन महारथियों का नेतृत्व तुम्हारे स्वर्गवासी पति जयद्रथ कर रहे थे। जयद्रथ काकाश्री, मैं तुम्हारे हृदय के घावों को उधेड़ कर लोहलुहान नहीं करना चाहता पुत्री, किंतु इतिहास का क्या करूं, क्या करूं इतिहास का? इतिहास कोई न्याय का देवता तो है नहीं जो आंखों पर पट्टी बांधे रखे। इतिहास तो देख भी सकता है और इतिहास तो सुन भी सकता है। काकाश्री, आप ही बताइए, पितामह भीष्म
गुरु द्रोणाचार्य, महावीर कर्ण और मेरे दुर्योधन जैसे 100 भाइयों को कौन निकल गया? ऐसा क्यों होने दिया गया? क्या आप जैसे विचारवान और महात्मा थे, आप लोगों ने इस विनाश को क्यों नहीं रोका काकाजी? जानना चाहती हो तो सुनो, इतिहास साक्षी है, जब जब मानवीय मूल्यों में गिरावट आई है, तब तब किसी विवेकहीन और महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने जन्म लिया है, और सदियों पहले राम जैसे आदर्श पुरुष के बनाए हुए मूल्यों को भी तोड़ा है, उसके बनाए हुए संबंधों की मर्यादा को समाप्त किया है, और तब तब हुआ है महाविनाश। जब पिता ही पुत्र के अधिकारों पर डाका डालने लगे, जब भाई भाई के धर्म को भूलकर उसकी पत्नी को नग्न करने का प्रयत्न करे, जब एक ही परिवार के सदस्य एक दूसरे की हत्या करने पर उतारू हो जाए, तो परिणाम क्या होगा? क्या होगा परिणाम? तुम संबंधों की बात करती हो, कुरुवंशियों ने तो संबंधों पर अन्याय और अधर्म के इतने वार किए हैं कि उनकी पहचान ही समाप्त हो गई है। अब तो संबंधों की स्थिति बिल्कुल वैसी हो गई है जैसे कोई शव तो हो किंतु उसका सर ही ना हो। काकाश्री, केवल एक व्यक्ति की अधूरदर्शिता का परिणाम है यह महाविनाश, केवल एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का भयानक फल है यह महाभारत। पुत्री दुशल्ला, महत्वाकांक्षी को यह पता नहीं होता कि महत्वाकांक्षा रक्त बीज नामक एक ऐसा दानव है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000। पुत्री, यदि ज्येष्ठ भ्राताश्री ने अपने ही वंशज महाराज भरत की परंपरा का पालन किया होता, अपने पुत्र मोह को त्याग कर किसी उचित व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना दिया होता, तो आज तुम्हारे शरीर पर वैद्यों का ये श्वेत वस्त्र न होता। तुम्हारे 100 भाई अपनी इकलौती और लाडली बहन का स्वागत कर रहे होते, और नियति को अपने पास से फेंकने का अवसर ही न मिल पाता। काकाश्री, शीश नवा कर कृष्ण को दिया शीश का दान, अमर हुआ इतिहास में ये महान बलिदान। इस अपूर्व बलिदान का निकला ये परिणाम, बरबरीक है अब अमर, नाम हो गया शाम।